चलो करबर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर वीनू हैप्पी बर्थडे अभिजीत हैप्पी बर्थडे डियर वीनू गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना मिठाइयाँ बन चुकी है, खीर हमारी यहाँ पर बन रही है और मैं कर रही हूँ पूरियों की तैयारी। इतना मम्मी जी है ना ये जो इन्होंने कलाकंद जमाई थी वो उतार रही हैं ये। और मैं आपको बता दूँ आलू टमाटर हमारे बन गए हैं। तो हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, आज है राधाअष्टमी, तो हम राधाअष्टमी बना रहे हैं। मम्मी जी का व्रत भी है और राधाअष्टमी बहुत ही मतलब प्यार से बनाई जाती है। राधाअष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। राधाअष्टमी पे राधा जी को भोग लगाया जाता है वैसे तो अरबी का, लेकिन आज मैं बता दूँ आपको कि अरबी ना यहाँ पर मिली नहीं है। गांव में यहाँ पर गांव ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही कम मतलब चीज़ें मिलती हैं और ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन बहुत हमारे गांव में और इस गांव में ना बड़ा ही डिफरेंस है। हमारे गांव में लगभग सारी चीज़ें मिली जाती है और लेकिन पास पास में फिर भी यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं। तो इसी वजह से ना आलू टमाटर बना दिया था और हाँ, मैंने राधा को इसी राधा जी को इसी चीज़ का भोग लगाएंगे। तो भोग में मम्मी जी ने क्या क्या तैयार किया है, तो मम्मी जी ने वैसे तो सारी तैयारी कर दी थी और पंजरी भी उन्होंने बना दी थी, खीर भी उन्होंने बना दी थी और मैंने तैयार करके रख दिया था। तो उन्होंने बना दी थी फटाफट और मैंने आलू कट करके रख दिए थे, आटा बना के रख दिया था। तो अब मैं यहाँ पर ना पूरी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने वीडियो जब स्टार्ट हुई होगी तो आपने एक वीडियो देखी होगी बर्थडे की, तो थोड़ी सी मैंने क्लिप लगाई है। जी हाँ, मेरे से जो बड़ी सिस्टर है उसके बेटे का ना बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो बर्थडे में मैं नहीं गई थी तो थोड़ी सी क्लिप है, थोड़ी सी यादें रह जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो उसका बर्थडे था तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो लगाई है। और उसके बाद में उन्होंने भी सेलिब्रेट किया, हम नहीं गए और क्योंकि है ना काफ़ी दूर था तो उन्होंने छोटा सा ही सेलिब्रेशन रखा था, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए पहली पूरी है ना फूली नहीं है, क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग होती है पूरियों की तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो कोई नहीं। और वैसे भी मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी भी काम में, तो धीरे धीरे ही सीखता है, धीरे धीरे ही बनता है। लेकिन उम्र के साथ में हमें मतलब सारी चीज़ें पता चलती है, एक तजुर्बा होता है, ये सारी चीज़ें उम्र के साथ में होती है, एकदम से परफेक्ट नहीं बनता कोई। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ बना रही थी, चार पूरी निकलनी थी गाय के लिए, तो मम्मी जी ने कहा था गाय के लिए चार पूरी निकलनी है। तो किसने राधाअष्टमी बनाई है तो मुझे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और किसने किस तरीके से बनाई है, क्या बनाया था ये भी मुझे बताना। तो दोस्तों राधाअष्टमी है ना कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब से प्रेमानंद महाराज जी को जो देखता है तो सारी चीज़ें अब पता ही चल रही है। तो पिछली बार जब मैं घर पे थी तो राधाअष्टमी का मैंने व्रत रखा था, लेकिन मैं इस बार नहीं रख पाई दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं रख पाई। क्योंकि जो व्रत में मतलब हम प्यार से ना रख पाए, मतलब अंदर से ना हमारे वो फीलिंग आए कि हाँ हम फास्ट रखेंगे, तो बेकार में वो माना नहीं जाता व्रत, तो इसी वजह से थोड़ी है ना दिक्कत हो रही थी, तो मैंने व्रत नहीं रखा। तो देखिए यहाँ पर पूरी है ना फुली फुली आ रही है, अब सारे के सारे फूल रही है। तो इसी तरीके से और मैं हमेशा ना मेरे से ना मशीन से पूरी पूरी वाली जो मशीन होती है मैं उससे पूरियाँ नहीं बनाती, और इसी वजह से मैं इसे बेलन से ही बना देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि बारिश खुल के नहीं हो रही है, कई दिन से बारिश का मौसम हो रहा है और घर में भी मतलब ये होता है ना स्मेल सी आती है बारिश में, तो स्मेल सी आ रही है, धूप अच्छे से नहीं निकल पा रही है, तीन चार दिन हो गए और बारिश भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर चार पूरियाँ हो गई थी गाय जी की, और हम गाय जी की निकाल करके अब नॉर्मल अपनी पूरियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले ये होता है जब हमें ना पूरी स्टार्ट करते हैं बनाने, तो सबसे पहले होता है कि हमारे साथ में दो बंदे लग जाते हैं पूरी में, फटाफट हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर ना मैं भेड़िया पहले बना दूंगी। इतने मैंने लो फ्लो में
लो फ्लेम में रखती, मतलब सिम कर दी थी गैस, और अपनी मैं पेड़िया बनानी स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर पेड़िया बनाई, और किस तरीके से बनाई मैं आपको दिखा रही हूँ। वो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इससे इक्वल पेड़ियाँ आ जाती है सारी, और जो नॉर्मल वैसे भी हाँ मैंने इक्वल करके इसको पेटी को लेके चलते हैं तो ये ठीक हो जाती है, मतलब ये आटा ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप पेड़िया बना सकते हैं। उसके बाद है ना मेरी ये पेड़िया बन गई थी, तो उसके बाद है ना हमने सारी लगभग तैयारी तो हो गई थी। तो जी हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप है ना अपने मतलब बॉडी का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि ना फीवर बहुत चल रहे हैं आजकल, और ये फीवर ऐसे चल रहे हैं कि मतलब आपको ना रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगी आप पहले से ही ध्यान रखें अपना, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत लोगों को फीवर आ रहे हैं, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और इनकी भी तबीयत नहीं है ठीक, और रात है ना इनको बहुत तेज फीवर हो रहा था। तो मैं आपको सबको यही बताना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, जो भी मेरा मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनसे यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि दिन दिन तो बीते जा रहे हैं, लेकिन स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगी। तो देखिए मैंने वापस से पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूँ, मुझे थोड़ा सा ना कोल्ड हो रहा है, और कोल्ड मतलब दिक्कत कर रही है, ज़्यादा तबीयत सही नहीं है। और देखिए यहाँ पर मैं पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर रही हूँ अपनी। तो देखिए यहाँ पर है ना पूरियाँ मेरी बन गई है, फटाफट पूरियाँ बन रही है। तो मम्मी जी ने कहा था कि सारी बना के रख दो, क्योंकि किसी का फाइनल नहीं हो रहा था कि कोई खाएगा नहीं खाएगा, और रात में यहाँ पर कमी खाते हैं, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने कई बार आपसे बताया है। तो इसी वजह से मैंने पूरियाँ सारी बना दी थी, और ये है ना ऑयली मतलब खाना नहीं खाते, मतलब तला भुना नहीं खाते हैं, और मैं मेरी कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं तला भुना खा लेती हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ। और लेकिन नहीं खाना चाहिए, ये मुझे बोलते हैं कई बार कि नहीं खाना चाहिए तला भुना रात में, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपने मेरे शाम का रूटीन देखा होगा, हम बनाते नहीं हैं शाम में तला भुना, नॉर्मल खाना बनता है तो मैं खाती नहीं हूँ, और यहाँ पर तला भुना बहुत ही कम बनता है तो नहीं खाते, और मैं मेरा कहीं जाना भी नहीं होता, मैं बहुत कम जाती हूँ, मार्केट भी यहाँ पर मुझे फनागर है, और इसी वज़ह से कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम पड़ता है तो तब जाती हूँ, अदरवाइज़ है ना यहाँ पर मैं नहीं जाती। और ऑनलाइन वगैरह ही कुछ मतलब इमरजेंसी होता है कि एक ही चीज़ है तो मैं मंगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर कृष्ण जी को भोग लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, हैप्पी राधाष्टमी, बाय।